सूर्य की अंतिम किरण से के बारे में बात कर रहे थे। तो कुछ कुछ नाटक जैसे एवं इंद्रजीत है, सूर्य की अंतिम किरण है, बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जो एक समय आयु के बाद ही उस तरह के अभिनेताओं से उम्मीद करता है डायरेक्टर कि इस एज के लोग हों तो उनके साथ करें। आप यदि इंटरनेशनल लेवल पे सिनेमा के बात करूं मैं, तो 40-45 साल के बाद, 40 साल के बाद हिंदुस्तान के बाहर की बड़ा जो सिनेमा है, बड़ी जो फिल्में हैं, वो तो सारे 40 के बाद के लोग हैं। इनको सिनेमा की भी समझ है, उनको कैरेक्टर की भी समझ है, इनको एक्टिंग की भी समझ है। तो आप ये देखिए कि इतना साल के बाद वो क्यों लेते हैं उसको, तो 10 साल कैरेक्टर वाइज है ना कि सिनेमा में आपका चरित्र क्या है। उसी तरह नाटक में, उसी तरह नाटक में है। अब क्या होता है कि शुरुआत में वो सारी नई संस्थाएं बनती है, नए एक्टर्स अपना ग्रुप बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं और चलो यार ग्रुप बनाते हैं, थिएटर करते हैं, तो वो कौन सा नाटक करना है, चलो कोई और बड़ा नाटक उठाते हैं और करते हैं। तो वो अपनी समझ से करते हैं, ये बिल्कुल पक्की बात है। वो ग्रुप बनाने के लिए भी करते हैं, कई बार किसी संस्था से टूट के भी करते हैं, पर आप करिए, कोई इशू नहीं है, टूट के करिए, सब करिए। पर ये चीजें जो है, यदि आप इन चीजों पे ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कभी जिंदगी में ना अच्छे अभिनेता बन पाएंगे, ना अच्छा नाटक कर पाएंगे। क्योंकि अब मैं यूं बोलूं कि एक डायरेक्टर नाटक चुनने में ऐसा तो नहीं होता कि लाइब्रेरी में गया और कोई भी पुस्तक आंख बंद करके निकाला और खोल दिया, बस आप ये नाटक बस आप, अब तो मैं, मेरे को तो ये करना ही पड़ेगा, करूंगा किसी भी हालत में करूंगा, तुगलक करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बड़ा डायरेक्टर कैसे बनूंगा। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता है। जो भी निर्देशक भी सेंसिबल निर्देशक है और वो अपने ग्रुप को जानता है, तो वो बहुत सेंसिबिलिटी के तरीके से वो नाटक चुनता है, याद रखिए सदा। और जब नाटक मैं अभिनेताओं को इसलिए ये बात इंगित करके बोल रहा हूँ कि जब वो आपके पास स्क्रिप्ट लेके आता है, उसके पहले कम से कम 20-25 बार वो पढ़ चुका होता है कि नाटक है क्या, ये कैसे करना है, इसको मेरा ग्रुप क्या है, मेरे ग्रुप की सीमाएं क्या है, वो सब उसको मालूम है, उसके बाद वो आपके पास लेके आता है। और फिर आपको यदि चरित्र वो देता है तो आपसे उम्मीद करता है, क्योंकि डायरेक्टर जैसे ही आपको स्क्रिप्ट दे देता है, रीडिंग करने दे देता है, तो अब डायरेक्टर को ये थोड़ी बोलना चाहिए बार बार, अरे यार याद करके आओ यार, अरे यार याद करके आओ यार। अभी गधा अभिनेता घर में रट्टन तोता की तरह याद कर लेता है, चरित्र कुछ अलग से बोलता है और वो बेचारा याद करके चला आता है, तू कहाँ जा रही थी, तू कहाँ कर रही है, अब वो ऐसा याद कर, क्योंकि वो याद कर। अब बेचारा डायरेक्टर परेशान, अरे यार भाई चरित्र ऐसा नहीं है यार, वो ऐसे क्यों याद कर लिया भाई। तो ये भी एक प्रॉब्लम है अभिनेताओं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक व्यवसाय के एमेच्योर थिएटर में। बस मतलब स्क्रिप्ट मिली है, दूसरे दिन मैडम मैं तो पूरा याद करके आया, हाँ बोल भाई, बोलना शुरू करना, उसको याद पूरा है और उसको चरित्र ही नहीं समझा ना, उसने तो अपने तरीके से याद कर लिया बस। मैं तो उमा जी, मैं तो याद करके आया, आप कैसे बोल रही है, अरे भैया चरित्र ऐसा नहीं। तो वो इसीलिए जो नए अभिनेता है या जो अभिनेता बनना चाहते, वो जिस तरह डायरेक्टर उसको इतनी इतनी बार पढ़ता है, इसलिए वो रीडिंग कराता है आपसे, वो पहले दिन से रीडिंग कराता है बैठ के, फिर वो चुनता है, बोलता है आप ये पढ़ के देखिए, फिर आप ये पढ़ के देखिए, फिर आप ये पढ़, तो वो आप में से ढूंढता है। जैसे ये मैं मानता हूँ कि एक अच्छा निदेशक, यदि आपके ग्रुप में कोई, मैं कहूँ कि ये बहुत कमजोर अभिनेता है, कमजोर अभिनेता है, तो एक अच्छा निदेशक उस कमजोर अभिनेता को लेके अच्छा अभिनय करा सकता है, क्यों कि डायरेक्टर को मालूम है कैसे करा, और अभिनेता को यदि ये मालूम है कि मेरी ये कमजोरी है और डायरेक्टर मेरी कमजोरी को एक पॉजिटिव लेवल पे इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको और फायदा हो जाएगा, एक्टर को भी फायदा हो जाएगा, डायरेक्टर को भी फायदा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभिनेता को अपनी कमजोरी और अपनी काबिलियत ये दोनों मालूम होना चाहिए। और हमारी दिक्कत ये होती है कि हम बायोडाटा में तो लिख देते हैं कि हबीब तनवीर के साथ काम किया, बाबा कारण के साथ काम किया, जॉन मार्टिन के साथ काम किया, अबे किया क्या तूने, चक्कर ये हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम करते जरूर है बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम, पर हम जब वो डायरेक्ट कर रहे होते हैं या आप चरित्र कर रहे होते हैं, तब भी आप नहीं पढ़ रहे होते, तब भी आप नहीं समझ रहे होते हैं।
तो मैं जो भी बात शुरू से जो भी बात कर रहा हूँ, मैं आपको उन सब बातों की तरफ इंगित कर रहा हूँ जो एक अभिनेता को अच्छा अभिनेता बनाती है। नाटक करते हुए, रिहर्सल करते हुए आप अपने आप को खोजते हैं, डायरेक्टर भी खोजता है इंटरप्रिटेशन के लेवल पे, एक्टरों के लिए। कई बार किसी को चरित्र दे देता है, 5 दिन रिहर्सल कराते हैं, बोलते नहीं यार तू एक काम कर, तू ये वाला कर ले और आप ये वाला करो, उसको लगता है वो करेक्ट करेगा। तो आप क्यों नहीं ढूंढ रहे अपने आप को, आपको दिया और आप क्यों नहीं करता, आप क्यों नहीं करता, आप इसलिए नहीं करता है कि आपने ना चरित्र समझा ना आपने अपने आप को देखा। तो सबसे बुनियादी रूप से मुझे लगता है एक अभिनेता के लिए जो थोक चीजें मैंने बताई उसके अलावा, जब आप किसी नाटक का परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, नाटक करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तक तो नाटक अभिनेताओं के हाथ में, निर्देशक के हाथ में, जैसी ऑडियंस उसमें जुड़ेगी, जैसी एक दर्शक उसके साथ उस परफॉर्मेंस के साथ प्रयोग के साथ जुड़ेगी, इसलिए मराठी में इसको प्रयोग कहते हैं, याद रखिए कभी प्रस्तुति नहीं बोलते हैं, उनका हर रोज प्रयोग होता है। क्योंकि ये आप जानते होंगे कि आप इतने दिन से नाटक कर रहे हैं कि नाटक शाम को 7 बजे शुरू होता है और 9 बजे खत्म होता है, 7 का नहीं है 9:15 का नहीं है, वो 7 से 9 के बीच का ही है। उसमें आप घटना कीजिए, दुर्घटना कीजिए, जो करना कीजिए, उसके बाद में नहीं है, उसके पहले नहीं है। तो उसके साथ जब उस वक्त पर अभिनेता और दर्शकों का संवाद होता है और दर्शक और अभिनेता जब एक दूसरे से, क्योंकि बीच में एक देखिए बहुत बड़ा काला बीच में ब्लैंक होता है, डार्क होता है, अभिनेता सारे लाइट्स पे होते हैं और ऑडियंस पूरी अंधेरे में होती है, तो बीच में एक कालापन होता है बीच में, तो आप तब भी आप देख रहे होते हैं। हमारे हिंदुस्तान में अभी तो ऐसा हुआ नहीं कि बहुत कॉन्सेंट्रेट लाइट हो और स्पील ना हो, ये नहीं है, वो तो पूरे हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप देख रहे होते हैं एक, पर आप जब कर रहे होते हैं तो दो तरह की चीजें हैं इसमें। आप देखिए कैसे थ्योरी काम करती है, मैं कर रहा हूं तुगलक कर रहा हूं, मेरे पास सब कुछ है, सब है, अब तुगलक को जाना है विंग्स में, तलवार लाना है, फिर कपड़ा भी बदलना है, पर मैं बहुत कायांतरण है मेरे में तुगलक का, पर कायांतरण होने के बाद भी आप देखिए कैसे प्रैक्टिकली एक्टर काम करता है अपने कैरेक्टर के साथ। वो जाता है, उसको मालूम है तलवार यहाँ रखिए, उसको मालूम है कॉस्ट्यूम यहाँ रखिए, अरे वो तुगलक है साले, तो तुगलक को कैसे मालूम, तुगलक को तो लेके आओ तलवार ना। इसीलिए अभिनय इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप करते हुए कायांतरण में रहते हुए आप जाते हैं, आप तलवार उठाते हैं, कॉस्ट्यूम निकालते हैं, दूसरी कॉस्ट्यूम लगाते हैं, दाढ़ी चेंज करते हैं और फिर आते हैं, फिर तुगलक होते हैं। तो देखिए स्विच एंड स्विच ऑन स्विच ऑफ है, ये वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट काम है कि स्विच ऑन स्विच ऑफ कर लेना, अभिनेता के आना बहुत जरूरी है। जब ये स्विच ऑन स्विच ऑफ यदि आप जान जाएंगे तो बाकी सब थ्योरी आ जाती है, उसमें थ्योरी भी आ जाती है, कायांतरण भी आ जाता है, ऑडियंस भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, बहुत बहुत सारी चीजें आपको जितनी थ्योरी की बात आप पढ़ेंगे लिखेंगे जो भी होगा, पर ये बहुत सामान्य रूप से बात है कि एक अभिनेता को अपने आप को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि मैं तुगलक हूं और मुझे मार रहा है किसी को, अब मैंने तलवार तो फिर मैं ऊपर ही दूंगा साले को, रोज एक मार डालूंगा, ऐसे नहीं होगा। आपको मालूम है सामने दूसरा अभिनेता है, तलवार नकली है, उसको मुझे ऐसे मारना है, तो कैसे आप एक कायांतरण काया में होते हुए भी बहुत ऑब्जेक्टिव होके आप एक्ट कर रहे होते हैं, आप अपना अभिनय कर रहे होते हैं। तो देखिए कितनी डिफिकल्ट चीज है अभिनय, इतना डिफिकल्ट है अभिनय। तो और हम बहुत सरल मानते हैं, हमारे हमारे खासतौर से हिंदी पट्टी के जो अभिनेता या हिंदी पट्टी में आने वाले लोग हैं, वो आते ही सबसे पहले डिमांड में, उमा जी देखिए आप एक काम कीजिए, आप ना मैं तो वो भयवदन करना चाहता हूँ, कपिल कपिल आप वाला नाटक कीजिए ना। अब कपिल के लिए क्या चाहिए, पहले वो तो तैयारी कर लो। मेरा कहने का मतलब बेसिकली ये है कि कोई भी अभिनेता अभिनेता बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत कठिन है, अभिनय बहुत सरल है, अभिनय बहुत सरल है, याद है बहुत सरल है, अभिनय एकदम सरल है, बिल्कुल मत डरिए अभिनय करने से, इतना सरल है कि आपको जब आ जाएगा ना तो आपको लगा अरे यार ये तो इतना सरल था, रियली बहुत सरल है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक्टिंग करने लग जाते, हम लोग ना अभिनय कर रहे हैं, अभिनय की जरूरत नहीं है बेसिकली,
अभिनय की जरूरत नहीं है, आप यदि समझ गए चरित्र को, समझ गए चरित्र की सारी चीजें समझ गए, तो सिंपल वे में सिनेमा में अलग होता है, फारसी थिएटर में अलग होता है। अभी हम थिएटर में बड़े हाथ फैला फैला के बात करते हैं, आवाज बड़ी जोर की रखते हैं कि बहुत दूर तक सुनाना है, तो जैसे हम सिनेमा में आते हैं तो सब चीजें कंप्रेस हो जाती है। इतना है, 135 का लेंस इतना दिखाता है, 50 का लेंस ये है, 75 ये है, वो सारी वो तकनीक है। वहां आप रिपीट कुछ भी कर सकते हैं, मैं यार ठीक नहीं हुआ मैं दोबारा कर लेंगे, नाटक में करिए आप नहीं कर सकते, एक बार तीर निकला तो निकल गया, बाद में होता कि यार मेरे से ये गलती हो, वो जो मेरे से गलती हो गई ये भी आपको मालूम है, तो ये भी एक अच्छे अभिनेता का गुण है कि यार मैं फंबल करता हूं, ऑडियंस समझ जाती है, क्योंकि आप ये सदा मानते चलिए कम से कम आज के समय में दर्शक सब कुछ जानता है, दर्शक के सामने में पूरी दुनिया खुली हुई है, तो इसलिए आप कभी भी चीटिंग अपने आप से कर रहे होते हैं, दर्शक से नहीं कर रहे, उसको तो मालूम चल जाता है ना, आप चीटिंग खुद करते हैं, इसलिए यदि अच्छा अभिनेता तो कभी चीटिंग नहीं करे, अच्छा अभिनेता सदा चरित्र के हिसाब से, डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक अच्छा अभिनेता बेसिकली खास तौर से थिएटर में वो निदेशक का टूल होता है, ये याद रखिए, निदेशक का टूल होता है, निदेशक एक कथा को कहने के लिए हाँ वो फॉलो करता है, आप बोल सकते हैं कि मैं इतराज करता हूं इस बात से, मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, ये बोल सकते हैं, पर अल्टीमेटली डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो पूरे नाटक को देख रहा होता है, अभिनेता कई बार अपने आप को देख रहा होता है, और जो अच्छा अभिनेता होता है वो अपने अकेले आपको नहीं देख रहा होता है, वो दूसरे को भी देख रहा होता है, क्योंकि वो दूसरा क्या बोल रहा है, एक्शन का रिएक्शन है बेसिकली, एक ने एक्शन किया तो उसी रिएक्शन पे दूसरी बात है, आप सुनते नहीं, हमारी गलतियां क्या होती है, हम सुनते नहीं है सामने वाले का, हम अपना क्यों सुनते हैं, जाता हूं मेरा क्यों है, जाता हूं के बाद मेरे को बोलना, अब वो जाता हूं की जगह उसने और कुछ थोड़ा दूसरा बोल दिया, खड़ा रहता है क्यों, क्यों क्यों नहीं बोला ना जाता हूं, अरे क्यों तूने बोला, वो जाता हूं तो बोला ही नहीं मैडम, अरे भाई जाता हूं की जगह जा रहा हूं बोल दिया, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, क्योंकि आपने भाव नहीं समझा, भाव नहीं समझा नाटक का, इसलिए एक अभिनेता को आप ये देखिए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अभिनेता की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हम बहुत सरल मानते हैं, एक्टिंग बहुत सरल है, ये मैं अब फिर कहूंगा एक्टिंग बहुत सरल है, पर एक्टिंग करने तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बहुत लंबी बहुत कठिन है, और वो कठिन और वो प्रक्रिया यदि आप नहीं करेंगे तो आप अभिनेता तो हो सकते हैं, हर कोई अभिनेता, मैं रास्ता चलता भी आदमी एक्टिंग करता है ना, क्या बात कर रहा है बे, कोई और दिलीप कुमार की आवाज में होता है, हर कोई अभिनय कर रहा है अपने जीवन में अलग अलग तरह से, हम स्टेज के लिए कर रहे हैं, एक कथा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभिनय और खास तौर से नाटकों का अभिनय जीवन तो है नहीं, वो रियलिटी का इल्यूजन है, हम एक भ्रम पैदा करते हैं कि ये ऐसा है ये ऐसा है, हम वैसा नहीं कर रहे होते, तो इसलिए वो रियलिटी का इल्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको रियल होना पड़ता है। जैसे हमारे सिनेमा में जब मैं किसी घर को 50 साल का दिखाने के लिए मुझे पहले पूरा घर चकाचक बनाना पड़ता, चकाचक बनाता हूँ, उसके बाद फिर वेदरिंग करता हूँ उसको, मैं 10 साल की वेदरिंग हो गई, फिर पानी यहाँ से गिरा, फिर पानी यहाँ से आया, पानी यहाँ से दीवार टूटी, तो मेरे को पहले नया बनाना पड़ता है और फिर मैं उसको वेदरिंग करता हूँ, तो वो 50 साल पुराना दिखता है घर, वैसा ही अभिनय, वैसा ही अभिनय, जब तक अपने सारी चीजों को क्यूब नहीं करेंगे तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरा ये मानना है, ये मेरी समझ है इतने सारे लोगों के साथ काम करने के बाद, कि ये बहुत सरल तरीके से मैंने चीजों को बोलने की कोशिश की है, मैंने कोई मैं किसी थ्योरी पे बात नहीं करूंगा, मैं ब्रेक्ट की कविता मैंने इसलिए जरूर पढ़ी है क्योंकि वो कहता है कि अभिनेता को दक्ष होना पड़ेगा, और अभिनेता क्या दिखाता है कि उसने देखा क्या है, इसलिए वो एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, वो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है कि मैंने उस चीज को देखा कैसे, यदि मैंने करेक्टली देखा और मैं करेक्टली पोर्ट्रे कर रहा हूं, करेक्टली वो बात सामने आएगी, यदि मैंने देखा ही गलत है तो मैं इनेक्टमेंट ही गलत करूंगा, तो बात ही गलत पहुंचेगी, तो तीनों चीजें गलत हो जाएंगी, इसलिए आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं इस चीज को, कैसे देखते हैं, इसलिए बार बार
बातचीत से शुरू करते हैं, जिनको लगे कि ये क्यों ऐसा क्यों, आप पूछिए और मैं बोलता हूँ। हाँ जरा थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। हाँ। नहीं मैंने ये कहा कि मैं इधर विराम लेता हूँ और किसी को कोई इसमें से कोई क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों आपने कहा या ऐसा नहीं होना चाहिए या वैसा नहीं होना चाहिए, तो फिर अपन और बात आगे बढ़ाते हैं। पहले तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी बोलिए। बातें आपकी बातें सुनकर मैं भी जोश में आ गई हूँ। पहली बात, नट सम्राट आज जब ये मैं 95 की बात बता रही हूँ, उस वक्त ये नट सम्राट हमने जब ये किताब खरीदी थी हमारे यहाँ बुक फेयर लगता है कलकत्ता बुक फेयर, बड़ी इच्छा थी कि नट सम्राट हम लोग करेंगे, तो लेकिन उस वक्त अजहर भी दिखने में बड़ा छोटा मोटा, मैं भी छोटी छोटी सी। वही बात जो भी आपने कही ना, मैं आपकी बात पे कह रही हूँ कि नहीं, एक करेक्टर के लिए जो उम्र चाहिए, जो अनुभव चाहिए, तभी करना है। तो अब जब हमारी उम्र आई तो देखा कि नट सम्राट तो नट सम्राट ने कर दिया। यानी अब उसको उस लेवल के पार लेके जाना मुश्किल है, तो नट सम्राट हमने अब स्क्रिप्ट छोड़ दी, अब छोड़ दी, नहीं कर पाएंगे। असल में उस प्रोडक्शन की जो सबसे बड़ी खूबी थी, जो मुझे लगता है कि डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डायरेक्टर कहिए या फिर एक्टर की समझ कहिए, कि एंट्री एग्जिट उस प्ले का बहुत अच्छा था। और जिस प्ले का एंट्री एग्जिट अगर डायरेक्टर डिजाइन कर लेता है, तो समझिए कि आधा प्रोडक्शन कामयाब वहीं हो जाता है। बाकी तो एक्टर अपना आकर वो अपनी कलाकारी दिखाता है, वो अलग बात है, लेकिन जो एक डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें थी। नहीं, मेरा क्या है, मैं चूंकि सिनेमा करता हूँ और टेलीविजन करता हूँ, बड़ा उसमें मुंबई में बहुत सारी फिल्में की, तो जनरली मैं प्रोडक्शन डिजाइनर की तरह जाना जाता हूँ। तो हर कोई को ये रहती है उम्मीद कि जयंत का प्ले में सेट बहुत बड़ा होगा और मैं सबसे पहले उसको हटा देता हूँ। तो क्या होता है कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन एक्टर पे आ जाता है, सेट पे नहीं आता। आपने देखा बहुत कर्टन्स हैं और उनके आने से स्पेस बदला। तीन डब्बे हैं काले जी। मराठी लोगों ने बम्बई में जब देखा तो उनके लिए तो बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि इतना तीन अंकी नाटक एक तो कम कर दिया मैंने और हिंदी के संस्कार में किया, और बोले ऐसे कैसे बिना फ्लैट्स के, बिना घर के कुर्सी के कर रहे इतने लोगों ने। तो मैंने कहा होता है, आप देखिए होता है। और आपकी बात कही ना कि आप पहले 50 साल पहले की चाका चौंध दिखाते हैं और फिर उसको फेड आउट करते हैं, तो आपने नट सम्राट में वही किया। लेकिन पहले क्या खुशनुमा फ्रेम था, एक था कि हाँ वो खुशी वाली जिंदगी थी, और उसके बाद ना घर में फोटो फ्रेम होता है सबका, खुश वाले फोटो। जी जी जी। वो कैसे एक 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 टूटता चला जाता है। जी जी जी। उसमें विचार फिर बड़ा हो गया मेरे लिए। मेरे लिए वो उस एक्टर की कथा नहीं रह गई, वो रह गई एक वृद्ध पुरुष की कथा रहेगी, एक विचार। बहुत हाँ विचार होगा। और मेरी कुछ नसीबी है कि देश में जितनी जगह भी किया हूँ, जितनी जगह भी उसके शोध या प्रयोग हुए हैं, कोई भी जगह ऐसा नहीं हुआ है कि नाटक खत्म हो और सब चले गए। मतलब हमको बोलना पड़ता है। नहीं नहीं, ये तो सही बात है, क्योंकि ये नाटक चले जाइए, ये नाटक को रिलेट करते हैं, कोई बाप बेटी ऐसा सब। और ये नाटक हर एक्टर को देखना चाहिए, क्योंकि जितनी बातें आपने बताई वो सारे प्रयोग इस नाटक में नजर आते हैं। ब्रेक था इसमें, भरत मुनि है इसमें। हाँ। सिंप्लिसिटी है लाइट की, एकदम बहुत सिंप्लिसिटी है। कॉस्ट्यूम ऑथेंटिक है, मराठी लगता है, संगीत बिल्कुल मराठी है। कैसे एक नाटक अपने आवरण से, अपने सारी चीजों से एक समय, और कभी नहीं लगता कि वो 40 साल पहले ही लिखा गया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम लगता है कल लिखा है नाटक और आज हो रहा है, आज हो रहा है। दादा, ये तो हमारी खुशकिस्मती है, ये नाटक कलकत्ता में करवा पाए और हमने देखा, हमारे एक्टर्स ने देखा। ये सीखने के लिए अपने आप में एक लेसन है, मतलब कि मुझे लगता है कि ये नाटक, आपके निर्देशन वाला नाटक, तो जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूशन से नाटक जहाँ सिखाए जाते हैं, नाटक विद्यालयों में ये होना चाहिए, क्योंकि ये देखने की चीज है। आपने जिस तरह से प्रयोग किया है वो सीखने की है। फिर दूसरी बात, हमारे कंसेप्ट में मेरे लिए एक नाटक मैंने अभी तक बचा के रखा है, क्योंकि मुझे लगता है वो अभी मैं परफेक्ट हुई हूँ, वो है मीडिया। अच्छा, मुझे लगता है कि वो मीडिया के लिए मैं परफेक्ट हो गई हूँ, मैं अब कर पाऊंगी। तो ये आपकी बात से मैं एकदम इत्तेफाक रखती हूँ कि जो भी चरित्र होता है उसको निभाने के लिए कितना पकना पड़ता है पहले,
जिस्मानी तौर पे पकना पड़ता है, अनुभव के तौर पे पकना पड़ता है और दिमागी तौर पे पकना पड़ता है। जब हम इतना पक जाते हैं, कुम्हार जो कच्चे बर्तन बना के वो जो भट्टी में तपाता है बार बार पक्का करने के लिए, उस तरीके से तपना पड़ता है तभी जाके हम एक्टर बन पाते हैं। मुझे तो लगता है कि आज की क्लास नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन सारा कुछ इतना नया, इतना साधारण तरीके से आपने बताया कि मुझे लग रहा है कि ये तो मेरी क्लास हो रही है। तो अभी आजकल तो मैगी है ना, मैगी मैगी जी, 2 मिनट में मैगी रेडी चाहिए जी, ऐसे होगा यार? ऐसी नहीं, एकदम एकदम सही कहा आपने, पकना होता है। और चोट लगती है तो उसको हीलिंग में टाइम लगता है ना जी, जी तो सरफेस बनता है। हाँ। आप अपनी स्किन को नहीं पहचानते हो। और अभी ने अच्छा, मैगी भी 2 मिनट में कब बनती है क्योंकि वो पूरी पकी हुई है, पहले से प्रिपेयर्ड है वो, प्रिपेयर्ड है। अभी अगर उमा से आप कहेंगे तो हो सकता है कि उमा आपको 2 मिनट में थोड़ा सा कुछ आपके अनुसार कुछ अभिनय करके दिखा दे, तो आप बोले हाँ उमा जी ये ठीक है, ओके मान लिया। लेकिन एकदम नए बच्चे को भी कह दे वो तो कर ही नहीं पाएगा, उसको तो पकना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात लगी कि एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है आप पढ़ना नहीं। मैं तो कहता हूँ मत पढ़ो, मैं कहता हूँ मत पहला हारमोनियम, मैं कहता हूँ मत हारमोनियम पकड़ो, मत पढ़ो, जिंदगी पढ़ो लो दोस्त, जिंदगी पढ़ो। अपने घर के लोगों को पहले, यदि 6 महीने अपने घर के लोगों को ही समझ लो कि वो बैठता कैसे, वो ऐसा क्यों बैठा। साकला जी है ना जी, आप तभी डायरेक्टर बनेंगे तो आप उसी साकला जी में काम करेंगे। इस तरह की साकला जी में, इस तरह की डिप्रेशन में आदमी ऐसे बैठता है जी, तो आप अपने नाटक में एग्जैक्टली वैसा करेंगे, क्योंकि जिंदगी से ही आता है, जिंदगी से बाहर कुछ है नहीं, बेसिकली है नहीं बेसिकली कुछ है नहीं। एक तो अब हमारे कलाकारों में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछे पहले, तभी बात आगे बढ़ेगी। इतनी सारी बातचीत हुई, आप लोगों ने बहुत कुछ सुना, तो आपकी कोई जिज्ञासा जहन में कोई नहीं? रो, एक मिनट मैं रोक के और बोल देता हूँ जी जी। और यदि आपकी कोई जिज्ञासा नहीं है, एक, और यदि आप क्यों का क्वेश्चन आपके पास नहीं है, आप अभिनेता तो है नहीं भाई, पान की दुकान खोलो, चाय की दुकान खोलो, मैं आता हूँ चाय पीने के लिए, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सदा क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्वेश्चन करेंगे, मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी आए क्वेश्चन जब तक आपके मन में नहीं आएगा तो आप, इसका मतलब या तो आप सुन नहीं रहे या तो आप गुन नहीं रहे। सुनना और गुनना दोनों अलग है, सुनते हुए गुनना अलग है। और यदि आपको ये हर्ट हो रहा है तो आप जरूर बोलिए मेरे को, और मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा कि आपको हर्ट हो रहा है, बहुत प्रसन्न होऊंगा कि आपको हर्ट हो गया। अब मेरी लाइन चल निकली, आप करेंगे उस जैसा काम जी। मेरा तो काम है, मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा काम है यदि एक्टर ठीक से नहीं कर रहा तो उसको इतनी बुरी तरह से हर्ट कर देना कि वो भी साला दूसरे दिन आया ना सोच के आया अभी दिखाता हूँ जैन तेरे को यार, साला कल बहुत चिल्लाया तूने मेरे, बहुत कर लिया। ये डायरेक्टर का एक अपना तरीका भी होता है, अपना एक मेथड। आपकी बातों को सुनकर इतना मजा आ रहा है दादा, प्लीज मुझे भी ये जैसे आपने आलोक दास से काम करवाया, मुझसे भी काम करवाइए। मैं भी आपका वो तो कर रहा हूँ, नोटबुक तो कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, अरे ये तो मैं अपने कलाकारों को बता दूँ, कितनी खुशी की बात है, मतलब मैं बहुत। और आप, मैंने तो सिर्फ फोटोग्राफ देखे आपके जी जी, मेरे इसमें 1-2 लड़की होंगी, एक छाया होगी जी और एक रियल लड़की होगी, मतलब छाया की तरह पीछे काम। हाँ जी 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 जी, ऐसा कुछ मैंने सोचा। मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ मेरे आर्टिस्टों से कि जयंतो दा एक औरत की डायरी से पर काम कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि इस किताब पर जयंतो दा काम कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत। मैं असली बात उन्हीं लोगों के साथ करूंगा जो नट सम्राट की टीम है। तो मेरा आईडिया में ये था कि यार जाए कहीं तो ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, इतनी देर का ये कर लेते हैं जब तक सारे लोग तैयार होते हैं और फिर ये कर लेते हैं। हाँ क्या बात है, मेरी तो किस्मत चमक गई। जी अब आप लोग पूछे, दादा ने बड़ी अच्छी बात कह दी, डिटेल बातचीत हुई है, अब पूछो कोई सवाल, हर कोई पूछो। हाँ अर्जुन अनम्यूट करो। हाँ पूछो। नमस्ते सर। जी बोलो। हाँ बोलो। नमस्ते हो गया,
सबको बोल देता हूं मत हो चुका ऑब्जर्वेशन का बात बोला आपने की हेलो हां बोलो 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 हां अर्जुन बोलो हां सर आपने जैसे ऑब्जर्वर वर्क ऑब्जर्व सर हां तो सर जब ऑब्जर्व करने आएगा दुकान में बैठे हैं तो एक आदमी को देखा ऐसे करते करते देखे लेकिन सर देखना और ऑब्जर्व करना में कितना डिफरेंस है कि ताकि हम लोग का मेमोरी में जाए देख तो लिए लेकिन हो सकता है वो हम फिर जैसे घर गए तो भूल गए तो वो ऑब्जर्वेशन और देखने में सर कैसे हाँ इसलिए देखा नहीं ना तुमने इसलिए भूल गए ऑब्जर्वेशन मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं कई बार इसे तुमको लपाड़े भी लग सकते कोई लड़की कुछ घूर के देखेगा तो एक आके मारेगी मेरे क्यों घूर के देख रहा है तू ऐसा नहीं होता है ठीक है कहने का मतलब ऐसा नहीं होता है ऑब्जर्वेशन या देखने का मतलब ऐसा नहीं होता है आप धीरे धीरे आपको आ जाएगी धीरे धीरे आप में वो समझ आ जाएगी कि आप उसको परखने की यूं ही देखेंगे आप बैठे बैठे आप यदि मेरा चेहरा देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ ऐसा लगा लिया हूँ मेरा दाढ़ी है सफेद है तो कहीं ना कहीं कभी आपको कोई पूछेगा यार वो जैन देशमुख आया था बोले यार उनकी सफेद दाढ़ी थी कुछ चश्मा वश्मा लगाते थे आपने एक तरह से देख लिया है मेरे एक तरह से देख लिया और फिर जब देखते हैं ना तो देखने के बाद फिर गुन्ना और गुन्ना पड़ता समझना पड़ता सब अभी जैसे तेरे बाल कैसे ऊपर है ना ऊपर अभी इस बाल को पार्ट कर दे बीच से एक बार तेरा चेहरा बदल जाएगा है ठीक है 100% गुप्ता तेरा चेहरा बदल जाएगा इस बाल को साधना कट लिया तेरा चेहरा तू चश्मा लगा ले तीसरा कैरेक्टर बन गया तू अपने आप में तो तू 200 कैरेक्टर है भाई यही तो मैं कह रहा हूँ खुद को पहचानना बोल तू मूछ तेरी ऐसी है तो ऐसा कर ले मूछ थोड़ा है थोड़ा और यहाँ वो ये अपना आजकल तो लॉकडाउन है अपने क्या बोलते चाय चाय चिपका ले ऐसी चिपका ले भरत मुनि ने कहा था कि एक्टर गंजा होना चाहिए उसके भौवे भी नहीं होना चाहिए यार मूछ दाढ़ी वाड़ी तो छोड़ दे तू भौवे भी नहीं क्योंकि वो चरित्र के हिसाब से भौवे बनेगा मैं अभी किसी एक्टर को बोलू वो मेरी जान खा जाएगा पागल हो गए क्या भौवे कटवा रहे हो मेरी तो हमको चिपकाना पड़ता है वो विग लगानी पड़ती है बहुत सारी चीजें तो इसलिए आपका बिल्कुल अर्जुन मेरे कहने का मतलब है कि आपको देखने का नजरिया शुरू करना चाहिए आप जिस उम्र में है उसमें आप धीरे धीरे देखने का नजरिया शुरू मतलब यू देखे कि आप अपने घर की अलमारी देखो आप अलमारी का साइज क्या है अलमारी का विड्थ क्या है उसका डेप्थ क्या है अलमारी को आप खोलते कैसे तो वहां मैंने आपको एक नाटक में काम कराया अलमारी तो है नहीं मैंने कहा अलमारी खोल तो हैंडल किधर होता है तो आप रोज खोलते हैं अलमारी पर जब जैसी नाटक में बोलूंगा कि अलमारी खोल तो तेरा हाथ ऊपर चला जाएगा हाथ नीचे चला जाएगा जैसे कई बार आपने देखा नहीं देखा नहीं इसका मतलब मेरे एक दोस्त है गोपाल दुबे बहुत अच्छे एक्टर है डायरेक्टर भी है वो कहते हैं हबीब साहब के साथ भी ये किस्सा हुआ एक दिन हबीब साहब का एक्टर हबीब साहब के पास आया और जब रिहर्सल चल रही थी उन्होंने कहा हबीब साहब डायलॉग वाला सब बोलता था बोले डायलॉग वाला तो हबीब साहब मैं बोल रहा हूँ साहब बोलते थे उनको साहब बोलते पर इस हाथ का क्या करूं बोले यार तू हाथ को घर पे छोड़ के आना चाहिए था ना यहाँ क्यों ले आया हाथ जब हम अपनी जिंदगी में जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं हाथ हिला रहा हूँ ना मैंने हाथ को डिक्टेट थोड़े नहीं किया और तय थोड़े नहीं किया कि अब मैं ये वाली बात बोलूंगा तो मैं ऐसे हाथ करूंगा ये मेरे इनर से आया ये मेरे अंदर से आया कि मैं जिस तरह व्यवहार करता हूँ जिस तरह बात करता हूँ तो मेरे हाथ उसी तरह चलते हैं तो आप इसको यदि समझ लें तो आपका कभी भी नहीं तो बहुत सारे लोग एक्टरों का होता है डायलॉग तो बढ़िया बोल लेता है अमिताभ बच्चन की तरह हाथ क्या करें कई बार उनको टेंशन आते रहता है कि इस हाथ का क्या करें यार ना जिम में रखते बन रहा है ना ऐसे करते बन रहा है ना ऐसे करते बन रहा है क्या करें अब ये भी साइकोलॉजी कि ऐसा आदमी क्यों करता है ये डायरेक्टर जानता है ऐसा आदमी क्यों करता है ऐसा आदमी क्यों पुजा रहा है ये ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है ये एक मनुष्य के की छोटी छोटी चीजें जो है ना वो जीवन की वो थिएटर में डायरेक्टर लाता है सिनेमा में भी आते हैं थिएटर में कई बार दिख नहीं पाता होगा आपको पर बहुत डिटेल काम करता है आपको बोलते हैं जैसे मैं आप फिर उदाहरण दूं एक कॉस्ट्यूम तो आपको दे दी हमने भैया अब वो शो के 5 मिनट पहले पहनोगे तुम काहे बे धोती दे दी अब धोती फंस रही है क्योंकि आपको आता नहीं उसको पहन के आपने रिहर्सल नहीं की
उसका व्यवहार आपको नहीं मालूम, तो कैसे एक चरित्र को कॉस्ट्यूम भी गड़बड़ा देती है, कॉस्ट्यूम भी सपोर्ट करती है। इसलिए देखने की बात करता हूँ, इसलिए देखने की बात करता हूँ। आपके यहाँ वो ठेला तो बंद हो गया अभी, ऐसे ढकेलने वाला या गाड़ी बंद हो गया, पर आप फिल्मों में है, फिल्मों में जिंदा है अभी भी। आप देखिए एक वो रिक्शा में, एक वो फिल्म भी आपने देखी होगी सिटी ऑफ जॉय, ओमपुरी लेके दौड़ता, तो उसकी ताकत कितनी लगती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कहाँ अपनी सांस लेता है। अब सांस से फिर बात आई सांस की, ये एक्टर को ये भी नहीं मालूम कि मैं कब सांस लू यार, लंबा एक डायलॉग बोलना है तो किधर मैं चोरी से सांस ले लू और फिर मैं, इसलिए वॉल्यूम पिच सांस ये सारी चीजें मिक्स्ड है, सारी चीजें मिक्स्ड है। ये जब मैं शरीर बोलता हूं, मैं जब आवाज बोलता हूं, तो उसमें सांस भी इन्वॉल्व है। आपको दौड़ते हुए आना है और रिव्यू में आप दौड़ रहे बहुत दूर गया, मेरे को लगना चाहिए मैं जाके हाँप रहा हूँ स्टेज पे, डायलॉग भी बोलना है तो आप तो वो विंग्स में बहुत उड़ी मारी अंदर आ तो डायलॉग नहीं निकल रहा है। आपको मन होना चाहिए कि कितना मैं करूंगा और मैं कहां ब्रीथिंग लेके अपने डायलॉग बोलूंगा। इसीलिए एक्टर, मैं बार बार कहता हूँ, शरीर आवाज बीमार नहीं होना, ये जरूर बोलूंगा मैं। और किसी और कोई प्रश्न? आगे आगे चलिए चलिए। हाँ मारू अनम्यूट करो। नमस्ते सर, मैं मारू सर। हाँ जी हाँ जी सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये कैरेक्टर में इन्वॉल्व होने का सही तरीका क्या है, आप क्या कहते हैं इस तरीके से? इतनी देर से क्या बताया इन्होंने रे बेटा, क्या सुना? हाँ सुने सुने, लेकिन एक एक ठीक है ठीक है, अलग तरीका है, ठीक है, हम अलग तरीका, हम आपसे पूछ रहे हैं। मैं तो जानता हूँ स्क्रिप्ट है, कई सारी चीजें हैं, लेकिन एक अलग तरीका है, आपका क्या अलग तरीका है? मेरा कोई अलग तरीका नहीं है। और कोई भी चरित्र को करने के लिए सबका, पूरी दुनिया के डायरेक्टरों का एक ही तरीका है। वो स्पीलबर्ग भी वैसे ही करेगा जैसे मैं करूंगा, जैसे उमा जी करेंगे, क्योंकि वो चरित्र तय करेगा, वो कैरेक्टर तय करेगा, और वो एक्टर, उन एक्टर को मैं चुनता हूँ और वो कैरेक्टर क्या है उसी में से तरीका निकलेगा। जैसे एज एन डायरेक्टर मैं बोलता हूँ, स्क्रिप्ट तय करती है उसका स्टाइल। यदि आप डायरेक्शन की बात करेंगे कभी, तो स्क्रिप्ट तय करती है उसका स्टाइल, फिर डायरेक्टर तय करता है कि मैं उसको स्टाइलाइज करूं कि स्क्रिप्ट जो बोल रही है वैसा करूं। फिर तीसरी बात डायरेक्टर की आती है कि उसको इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व करके बड़ा करता है उसको। मतलब मैं बहुत अजीब सी बात बोल रहा हूं कि आधे अधूरे 6 डब्बे में भी हो सकता है, कोई जरूरत नहीं, जबकि उसमें हर चीजों की बातचीत करते हैं, वो अलमारी से टकराते हैं, सब है, पर वो डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है, डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन है। इसलिए चरित्र क्या है, कौन करने वाला है और डायरेक्टर क्या चाहता है, वो दोनों तीनों चीजें से फिर वो स्टाइल तय होती है कि कैसे करना है। और किसी का कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? किसने कहा, कौन है? जी बोलिए। मेरा एक सवाल तौसीफ, कौन बोल जी रहा है? सर तौसीफ, हाँ बोलो सर, तौसीफ बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते भैया। सर मेरा ये सवाल था सर कि पूरे लेक्चर में सर एक चीज मैंने गौर किया कि आपने कहा था कि अभिनय करना बहुत आसान है पर अभिनेता बनना बहुत मुश्किल है, तो सर इससे आपका क्या तात्पर्य था सर? मतलब तात्पर्य कि यदि आप अभिनेता अच्छे बन जाएंगे तो अभिनय तो आपके लिए सरल काम है, अभिनय आपके लिए बिल्कुल सरल काम है। यदि आप अभिनेता ही नहीं बन पाएंगे तो अभिनय कैसे करेंगे, वो सरल हो ही नहीं सकता आपके लिए, हर बार कठिन लगेगा। कितना समझे आप तौफीक जी? सर जी। और किसी का कोई सवाल, कोई प्रश्न किसी के जहन में? अमर्त्य अनम्यूट करो बेटा। हाँ बेटा। सर जब हमें एज एन एक्टर बोला जाता है कि हम अपने आप को ऑब्जर्व करें, हर वक्त अपने आप को ऑब्जर्व करते रहे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये जो ऑब्जर्वेशन जो हम अपने आप को हर वक्त करते रहते हैं, यही चीज सर कभी कभार तो स्टेज पर भी कैरी हो जाती है कि अब मैं स्टेज पर हूँ, मैं डायलॉग बोल रहा हूँ अपने एक्टर को और एट द सेम टाइम ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, यार मैं ठीक से तो बोल रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है,
तो सर ये तो प्रॉब्लमेटिक है, मतलब इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूं कि अपने आप को तभी ऑब्जर्व करना छोड़ दूं जब मैं वो कर रहा हूँ। उस समय तुम वो तो हो नहीं ना, उस समय तो तुम चरित्र हो, तो चरित्र निभा रहे हो, तुम अपने आप को क्यों उसमें ठोक रहे हो, तुम चरित्र हो, चरित्र की तरह बिहेव करो, वही उसी को तो अचीव करना है दोस्त, वही तो अचीव करना है। इसलिए तो स्विच ऑन स्विच ऑफ बोलता हूँ मैं, कि मैं जब तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं एक जयंत हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जयंत सोच के, और मैं यदि मेरे को कोई कैरेक्टर दिया गया तो मैं कैरेक्टर की तरह से बात करूंगा, ना कि जयंत की तरह बात करूंगा। जयंत कोई एक चरित्र निभा रहा है और एक किसी दूसरे चरित्र से बात कर रहा है, तो जयंत बीच में कहां से आ रहा है, जयंत बीच में नहीं आएगा, तो जयंत को बगल में आने नहीं चाहिए, उसको बगल में रखूंगा ना, उसको बगल में रखूंगा, बोले तू रुक चुप चुप रहा थोड़ा, मैं इससे बात कर लेता हूँ अभी चरित्र बन के। तो यही तो अचीव कर रहा है दोस्त, यही तो जो दुविधा है ना उसी को सुविधा में बदलना है, उसी को सुविधा में बदलने के लिए सब करना पड़ेगा, तब अपने आप सुविधाजनक हो जाएगा, अपने आप करेक्ट करने में। दो मिनट क्या करना है और हाँ? किसी का कोई प्रश्न कोई है? विनय अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ विनय, हेलो सर। सर मेरा सर सवाल ये है कि जैसे जब कोई एक्टर कोई इमोशनल सीन करता है तो सर वो कहीं ना कहीं सर उसकी पास्ट में जो बुरी चीजें हुई रहती हैं तो कहीं ना कहीं वो माइंड में आने लगती है सर, और क्या, और जब वो सीन खत्म होता है तो वो अपने पास्ट के बारे में ही सोचने लगता है सर, जिसकी वजह से काफी अपसेट फील होता है। तो क्या सर ये एक एक्टर की कमजोरी है या फिर सर कुछ और? शुरुआत में ऐसे होता है, शुरुआत में ऐसे होता है, उसी को अचीव करने की बात है, उसी को अचीव करने की बात। आज ही आपने नट सम्राट देखा होगा तो आलोक चटर्जी जब आखिरी में मर जाते हैं तो मैंने उसको एंटी क्लाइमेक्स कर दिया, नहीं तो वो बहुत देर तक के स्टेज में रहते। मैंने मजबूरी में उसको उस कैरेक्टर को मरने के बाद मैंने उठा दिया, तुरंत तुरंत उठ के वो बाहर जाते हैं, मतलब बगल में जाते हैं और पूरी कविता बोलते हैं, तो वो एंटी क्लाइमेक्स बनाया इसीलिए कि वो नहीं तो कई देर तक के एक एक्टर उसमें, इसलिए स्विच ऑन स्विच ऑफ करने की जरूरत है और ये दोनों सीखने की जरूरत है, और आप सीखेंगे तो अपने आप ये जो समस्या हो रही है वो हल हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या थी। थैंक यू सर। अगला कौन? पूछो अर्शद। ये जैसे ही ऑफ होगा वापस अपने आप सबको इंटरव्यू ले लेना। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन है सर कि कोई भी कैरेक्टर को हम पढ़ते हैं या तो फिर सुनते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो कैरेक्टर आखिर है क्या और वो क्या, मतलब क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, लेकिन सर आपने जैसे जैसे कहा कि स्विच ऑफ और स्विच ऑन, तो वो सामने वाला तो बाद में देखता है लेकिन पहले हम लोग खुद के अंदर से कैसे फील कर सकते, जैसे हम वो कैरेक्टर अगर कर रहे हैं तो अभी जो मैं हूँ और जो